हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिससे सुनकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो बड़ा रखो सोच, तभी सफलता भी बड़ी होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज की यह कहानी इस बात पर आधारित है, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति को सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति का बड़ा सोच होना चाहिए। चलिए आज की कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ। आज की ये कहानी इसी बात पर आधारित है। याद रखिए, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना होता है तो व्यक्ति की सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। चलिए मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक व्यक्ति था जो करीब परिवार में रहता था। वो बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी माँ ने एक टिफ़िन बॉक्स में रोटियाँ रख दी और वो इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में उसकी माँ ने रोटियाँ ही दी थी सिर्फ। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया था तब उसे भूख लगी। उसने टिफ़िन निकाला और रोटियाँ खाने लगा। जैसे ही रोटी खा रहा था उसने उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वो पहले रोटी तोड़ता फिर टिफ़िन में कुछ घुमाकर कौर को मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था कि मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा हो। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। ऐसा क्यों कर रहा था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लोग ऐसे ही देख रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही तो हैं, तो टिफिन में घुमाकर मुंह क्यों डाल रहे हो। युग ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है। युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने ये बात सुनी, एक व्यक्ति ने बोला, अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते, इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। तो बड़ी सोच तभी सफलता बड़ी मिलेगी, यानी कि बड़ा सोचोगे तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना पड़ेगा। तो स्टोरी से समझे, अगर आपको सफलता पानी है तो अपनी सोच को बड़ी रखनी हो पड़ेगी। छोटी सोच रखोगे तो आप सफल नहीं होगे। कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।